நதியில் தெரியும் நிலவின் உருவம் நதிக்கு சொந்தமே. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम लेलर के गाइस, हम लोग फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेके, तो आज हम लोग रिएक्ट करें और था थदवी, थैंक यू सो मच रिकमेंड करने के. लास्ट टाइम मिस्टेक हो गया था, वसी गारा मूवी था और एक सॉन्ग था, जरा वो वर्जन हो गया, सॉरी वो मिस्टेक की वजह से. तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो, स्टार्ट. पर वो गाने में मस्त मजा आया. ये म्यूजिक से ओल्ड सॉन्ग दिख रहा, ओल्ड सॉन्ग का वही बार आ सैड सॉन्ग है क्या? ओ अरे मैं गाने को थंबनेल बने थे, फोटो आ रहे थे इसके, वो है नहीं क्यों पहले कमेंट ये गाने को आया. நதியில் தெரியும் நிலவின் உருவம் நதிக்கு சொந்தமில்லை, நினைப்பதெல்லாம் நடக்கும் வாழ்க்கை யாருக்கும் அமைவதில்லை. உனக்கும் எனக்கும் விழுந்த முடிச்சு தானாய் விழுந்ததில்லை, உலக உருண்டை உடையும் போதும் காதல் உடைவதில்லை. மின்மினி தேசத்து சொந்த தவறாகும் வரலாற்றில் வாழ்கின்ற காதல் எல்லாம் வலியோடு போராடும் காதல் தானே. ஒரு தடவை சொல்வாயா உன்னை எனக்கு பிடிக்கும் என்று, ஒரு பார்வை பார்த்தாயா உன்னை எனக்கு பிடிக்கும் என்று. நினைக்கும் நினைவை மறக்க நெஞ்சம் நினைக்கிறது, கனவில் பூக்கும் பூக்கள் பறிக்க பெண்மை அழைக்கிறது. கிளையை முறித்து போட்டு விடலாம் வேறே என்ன செய்வாய், தரையை உடைத்து முளைக்கும் போது அன்பே எங்கு செல்வாய். மல்லிகை பூக்கள் உதிர்வதெல்லாம் மரத்தடி நிழலுக்கு சொந்தமில்லை, எனக்கு பிடிக்கும் என்று புகை போல மறைத்து வைத்தால் தெரிந்துவிடும் காதலேதான் பூக்கள் மோதி மலைகள் கூட உடைந்துவிடும். உன்னை உழைக்காதே என்னை வதைக்காதே என்றும் இதயத்தில் இலக்கணம் கிடையாதே.
ना। ये सॉन्ग तो बहुत इमोशनल वाला था, क्यों बोले तो मैं लाइंस भी समझ नहीं आया और एक्सप्रेशन से मैं कनेक्ट हो गया कि तलपति अन्ना के एक्सप्रेशन से समझ गया मैं कि ये बहुत वेरी सैड सॉन्ग था बोल के और इमोशनल सॉन्ग भी है। तलपति अन्ना स्टार्टिंग से लेकिन एंड तक एक स्माइल भी नहीं, खाली एक्सप्रेशन सैड वाला इमोशनल वाला ही है। हीरो ने तो भी एक दो जगह पे स्माइल कर मारी, तलपति है ना नो स्माइलिंग ओनली सैड लुक। और वो एक्सप्रेशन में डांस तो कर रहा था, डांस देखने में मजा आ रहा था, पर वो लाइन्स एक समझ नहीं, अगर लाइन्स समझ नहीं आते ना वो गाने को और अच्छा कनेक्ट होते थे और मजा आता था। वो दो हीरो के हीरो ने एक्सप्रेशन देख के बहुत सैड वाला दिख रहा था दोनों को, तो हम लैंग्वेज तो समझ नहीं आया मगर कनेक्ट तो हुए। क्यों बोले तो उसका सॉन्ग का म्यूजिक उसे रहने की वजह से बहुत डीप लाइंस जा रहे थे, हम लोग को समझ नहीं आया। उसकी म्यूजिक के हिसाब से हम लोग को समझ आया कि बहुत सैड सॉन्ग है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो तलपति अन्ना का एक्सप्रेशन देख के पहचान लिया हमने। और हीरोनी को हम लोग एक दो सॉन्ग में देखे शायद याद नहीं आ रही एकदम, मैं एक तेलुगु मूवी में देखा हूँ हीरोनी को तो वो याद कर रहा था, मैं याद नहीं है मगर वो सॉन्ग तो बहुत पहली बार बहुत ना वो सेकंड टाइम देखा शायद भी सॉन्ग में इतना इमोशनल कभी भी नहीं देखा नहीं था ना वो लोग डांसिंग वैसिंग इसमें तो बहुत मजा नहीं आया सॉन्ग में मेरे को। अगर हमारा रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन दबाने से आप लोगों को नोटिफिकेशन आते हैं हमारे वीडियोस के। फिर मिलेंगे ऐसी दमदार वीडियो के साथ। बाय।